सपा सांसद आजम खान के डेयरी फार्म से वर्ष 2014 में चोरी हुई भैंसे तलाश कर चर्चाओं में रह चुकी रामपुर पुलिस के पास अब कांग्रेस नेता की घोड़ी तलाशने की जिम्मेदारी आ गई है। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हाजी नाजिश खान की घोड़ी शुक्रवार की रात से गायब है। उनके मुताबिक पालतू घोड़ी तोपखाना स्थित लाला की चक्की के पास बंधी थी। उसके गायब होने पर चोरी का अंदेशा जताते हुए नाजिश खान ने ट्विटर के माध्यम से एडीजी जोन बरेली को जानकारी भेजी। एडीजी ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर ऑनलाइन FIR दर्ज कर ली है। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर कोतवाली कृष्ण अवतार ने कहा कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है, यदि कुछ हुआ है तो घोड़ी को ढूंढा जाएगा। नाजिश खान की माने तो घोड़ी को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, बहुत प्यार से उसे पाला जा रहा था। इस घोड़ी को 82,000 रुपए में खरीदा था। 31 जनवरी 2014 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री और रामपुर से सांसद आजम खान के पसियापुरा स्थित डेयरी फार्म से 7 भैंसे चोरी हो गई थी। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर 1 फरवरी को ही आजम खान के 7 भैंसे बरामद कर ली थी। वहीं इस प्रकरण में तत्कालीन SP ने तत्कालीन चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया था। इसके अलावा रामपुर में जिलाधिकारी रहे अमित किशोर का पालतू कुत्ता भी गुम हो गया था। जर्मन शेफर्ड नस्ल के इस कुत्ते को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला था।